बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नौमी भैया आपकी खिदमत में हाजिर। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं जूम ड्रामा सीरियल, और जूम ड्रामा सीरियल जनाब ऐसे ही है कि ड्रामे से थोड़ा छोटा और ये नहायत ही ज़बरदस्त मूवी से थोड़ा छोटा, और जो ड्रामा है जनाब ये तो बहुत बड़ा होता है लेकिन ये बहुत ही छोटा, क्योंकि ये ड्रामा सीरियल वह ड्रामा था जो मूवी की शक्ल में पेश किया गया। तो इसकी लास्ट एपिसोड इसमें हम बात कर रहे हैं कि ये जनाब पहुंच गई मैवेश मरियम के पास, और मरियम की दोस्त उसको बता रही है कि तुम और क्या करना चाहती हो मज़ीद। तो उसने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने मरियम से कुछ अकेले में बात करनी है। तो मरियम अपनी दोस्त को थोड़ा साइड पे करो, वो जाती तो है लेकिन बेजारी के आलम में। दूसरी तरफ ये अरियान का दोस्त उसको समझाने की कोशिश कर रहा है कि यार ऐसी बात नहीं है, आप हरगिज़ मरियम को नज़रअंदाज ना करें। लेकिन अरियान का कहना ये है कि क्योंकि ये मरियम का फ़ैसला है और उसका एहतराम मैं करूँगा। ये जनाब उसकी दूसरी तरफ ये शहरी है और मरियम से कह रहा है कि देखो आज मुझे गाड़ी चाहिए होगी। तो उसने कहा गाड़ी तो तुम ले लो लेकिन मेरी शिफ्ट का पता नहीं होता, मुझे फिर पिक कर लेना, ठीक है जी। तो दूसरी तरफ ये जो बच्चे हैं वो भी अरियान से बड़ा लगाव रखते हैं, और वो फ़ोन कर रहा है अरियान को कि आप अरियान आते नहीं, लेकिन उसने भी एग्री कर लिया कि मैं आऊँगा। ये है जनाब मरियम फ़ोन करते हुए, और ये अपनी टेंशन में जनाब। दूसरी तरफ जैसे ही इसके ऊपर हमलावर होते हैं गुंडे, वही पुराने वाले के, इसका जो पुराना मंगेतर था इसको छोड़ के चला जाता है, उसको ये गुंडे भगा देते हैं। और ये सीन जो है अब शहरी का देखने वाला है कि शहरी ने कहा कि मरियम तुम गाड़ी से बाहर मत निकलना, मैं इनको देखता हूँ। तो वो जनाब जैसे ही हाथापाई शुरू होती है तो मरियम का एट दिस पार्ट ये एक्शन बड़ा ज़बरदस्त था कि मेरा इस वक्त कौन हमदर्द हो सकता है। उसने फौरन कॉल लगाई जनाब अरियान को, और अरियान तो हीरो के रूप में जैसे ही जनाब पहुंचा, अरियान आप भागता हुआ आया, और ये जनाब आर्यन ने जैसे ही उसको सहारा दिया, गुंडों को भगाया वहाँ से, तो ये उसको दुपट्टा ओढ़ते हुए और शेरी ने जैसे ही घर में ड्रॉप किया मरियम को, और उसे कहा कि मैं 2 मिनट बाद आता हूँ आप घर चलो, और वो अपने दोस्तों के पास जाता है। दोस्त अपने एंजॉय करते हुए, और उसने कहा कि देखो जब तूने गोली चलाई थी तो टीना के ऊपर, वो भी किसी की बहन थी, अपनी बहन के ऊपर बात आई तो तुम्हें तकलीफ़ होना शुरू होगी, ये कहना था उसके दोस्तों का। और शेरी ने कहा ठीक है यार तुमने मेरी आंखें खोल के रख दी, अब ये सारा कुछ मान गया और मरियम से भी सॉरी कर रहा है जनाब। दूसरी तरफ ये बच्चों से खेलते हुए आर्यन, और ये जैसे ही शहरी जनाब आता है अरियान के पास कि तुम्हारे पास गाड़ी ठीक करने के अलावा और कोई काम नहीं है, तुम्हारे से मुलाकात के लिए आज मैं एक ऐसी हस्ती को लेके आया हूँ जिसका तुम ख्वाब देखा करते, तुम वाकई जीत चुके हो जनाब और मैं हार गया हूँ, मेरी नफरत हार गई, और नफरत हमेशा हार जाया करती है, जो सच्चे जज्बे होते हैं वही जीता करते हैं। लेकिन जैसे ही हाथ जोड़ के जनाब मरियम ने कहा कि मैं और शहरी तुमसे तुम्हारा हाथ मांगने के लिए आए हैं, तो क्या खूबसूरत एंड जनाब अब्दुल्ला कुदवानी साहब ने किया। उसने अरियान ने जनाब उसके हाथ झटक दिए, क्योंकि दूसरी जो
मूवी की तरह पता चल रहा था कि ये तो ड्रामा जनाब ऐसे ही है। और ये उसके हाथ झटक के जैसे ही वापस जाता है, अगले ही लम्हे क्या होने वाला है इसको ड्रामा कहते हैं। और इसमें भरपूर जो है वो किरदार, सारा का सारा क्रेडिट जो है वो अब्दुल्ला कुदवानी साहब को जाता है। हम उनको सैल्यूट पेश करते हुए अपने व्यूवर से चाहेंगे इजाज़त। हमारे चैनल का नाम है जनाब नोमी भाई ऑफिशियल, इसका सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमें दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए जनाब। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।